नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। बाहरी दिल्ली के कादीपुर में समाज सेवी हरपाल राणा बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। 3 वर्ष से लगातार अनाथ बच्चों, विधवा महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सरकार व पेंशन विभाग के उच्च अधिकारियों से कर रहे लगातार पत्राचार पर केंद्र व दिल्ली सरकार और अधिकारियों का इस तरफ कोई संज्ञान नहीं, तो इन गरीब बेसहारा लोगों को सरकार द्वारा पेंशन दिलाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। समाज सेवी हरपाल राणा से बात की तो उन्होंने बताया, यह अनिश्चितकालीन धरना इसलिए किया जा रहा है कि वह पिछले कई वर्षों से लगातार अनाथ बच्चे, विधवा महिला व बुजुर्गों की पेंशन को लेकर सरकार और पेंशन विभाग अधिकारियों से लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उस पर किसी का कोई संज्ञान नहीं है। वहीं पेंशन के अलावा कोरोना काल में जो बच्चे यतीम हुए, जिनके माता पिता का देहांत हो गया, उन बच्चों को दिल्ली सरकार आर्थिक सहायता व पेंशन देने की बात कर रही है, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता अन्य किसी बीमारी से उनका देहांत हुआ है, तो उन बच्चों के लिए आर्थिक सहायता या सरकारी पेंशन का प्रावधान नहीं है। ध्यान से इन मासूम चेहरों का, यह दिव्यांग व्यक्ति और बुजुर्ग व मासूम बच्चों को, जिनकी आंखों में मायूसी झलक रही है और इनके चेहरे और कपड़ों से इनके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है, वो साफ साफ बयां हो रही है। यह लोग पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही अपने जीवन शैली चला रहे हैं, क्योंकि इनमें से किसी बुजुर्ग के बच्चे नहीं है तो किसी मासूम बच्चों के माता पिता नहीं है, कुछ महिलाओं के पति नहीं है तो कुछ दिव्यांग पुरुष व महिलाएं किसी काम काज के लायक नहीं है, वह भी दिल्ली सरकार द्वारा मिलने वाली आर्थिक सहायता के इंतजार में है। इन लोगों की समस्याओं के लिए ही यह अनिश्चितकालीन धरना कादीपुर गाँव में दिया गया और इस धरने में यह तमाम लोग बैठे हैं। फिलहाल कई बार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार वो पेंशन विभाग अधिकारियों को हरपाल राणा शिकायत व पत्राचार के माध्यम से इन लोगों की समस्या के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जवाब न मिलने के चलते अब यह दिव्यांग व बेसहारा अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। देखना होगा कि सरकार इन बेसहारा लोगों की मदद कब और कैसे पाएगी। आज की जो हमारी मुख्य मांगे हैं वो 3 मांगे हैं कि 48,000 विधवा महिलाओं की पेंशन वर्तमान में दिल्ली सरकार के द्वारा रोकी गई है, वो जारी की जाए, भले ही उनकी जांच करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से जांच करवाई जाए और उनकी जारी किया जाए, उनको कार्यालय में ना बुलाया जाए। ये बार बार हर साल होता है, कार्यालय में बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी होता है। इसमें दूसरी मांग है हमारी कि 3 साल से वृद्धावस्था पेंशन के आवेदन आरंभ नहीं किए गए हैं, वो आरंभ किए जाएं। बुजुर्ग आदमी यहाँ जो बैठे हैं इतने परेशान हैं, जिनकी पेंशन नहीं बन रही है 3 साल से, उनका हक बनता है, 60 साल से ऊपर सरकार का कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी है कि वो पेंशन दे, लेकिन नहीं, फार्म ही नहीं लिए जा रहे हैं 3 वर्षों से। दूसरी है बेसहारा बच्चों को, बेसहारा बच्चे जिनके माँ बाप दोनों गुजर जाएँ, लेकिन सरकार कोरोना में जो मदद दे रही है वो सराहनीय है, अच्छी बात है, दिया जाना चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी जो पेंशन दूसरे बेसहारा बच्चे उनको भी दिया जाए, ये हमारी तीसरी मांग है। इसीलिए हमारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना आज आरंभ किया, जब तक इनमें से एक मांग भी नहीं मानी जाती हम यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना जारी रखेंगे। पेंशन को लेकर आप लोग स्वाति मालीवाल जी से मिले और आज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना भी हो रहा है, तो क्या लग रहा है दोनों एक ही है या अलग अलग है, क्या कुछ कार्रवाई हुई? तो जब मैं वहाँ पे गई थी स्वाति मालीवाल से मिलने, तो उस वक्त जो हमारा मकसद था वो ये था कि जो लाडली की जो फॉर्म, जो लाडली योजना है उसका जो फॉर्म होता है वो आपको ऑफलाइन जाके सबमिट कराना होता, तो हमारा उनसे ये अनुरोध था कि वो फॉर्म ऑनलाइन जमा होना चाहिए ताकि किसी को भी वहाँ पे जान के जमा कराना ना पड़े। उन्होंने हमारी इस मांग को मान लिया था। दूसरी मांग जो हमारी यहाँ पे है वो ये है कि जो बच्चे कोरोना में अनाथ हुए हैं, जिनके माता पिता का निधन कोरोना में हुआ है, सरकार उनको तो फाइनेंशियली मदद करने के लिए तैयार है, उनको पेंशन देने के लिए तैयार है, लेकिन जो ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनके माता पिता का निधन कोरोना से पहले हुआ है, सरकार उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये एक इंसाफ नहीं है, एक इंसाफ नहीं कर रही है सरकार, ये गलत चीज़ है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके 14 सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग हर कोई इंसान बराबर है, तो हर किसी को सरकार की तरफ से बराबर का सहायता मिलनी चाहिए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।